इस देश को जिस चीज की सबसे सख्त जरूरत है वो है नाना पाटेकर, जो धर्म के नाम पर कचरा फैलाने वालों की उंगली कूच दें, उससे खून निकालें और उस खून को किसी और खून में मिलाकर पूछें कि अब बताओ इनमें से हिंदू का कौन है और मुसलमान का कौन सा है। क्रांतिवीर वाले नाना पाटेकर की याद इसलिए आई है क्योंकि मध्य प्रदेश में 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की की हत्या के बाद धर्म के नाम पर छूत फैलाई जा रही है। 22 फरवरी को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के कोटमा गांव में 11वीं में पढ़ने वाली एक लड़की की हत्या कर दी गई। इस लड़की का नाम है पूजा। उसे उसके स्कूल के सामने ही मारा गया और सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर लोग अफवाह की शक्ल में कचरा फैलाने लगे। कुछ लोग लिख रहे हैं कि पूजा की हत्या करने वाला मुसलमान है। इन लोगों के मुताबिक पूजा ने एक लव जिहादी को इनकार कर दिया था, जिसके बाद उस शख्स ने पूजा की हत्या कर दी। ऐसी ढेर सारी पोस्ट हैं जिनमें ऐसी नफरत भरी बातें की जा रही हैं, जैसे हिंदू लड़की की हत्या मुस्लिम लड़के ने की, पूजा ने लव जिहादी का प्यार नकार दिया तो उसका ये हश्र हुआ। ऐसी बातें लिखने के साथ साथ एक डर भी जताया जा रहा है कि देखिए हिंदू अपने ही देश में कितने लाचार हो गए हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री ऑफिस और बीजेपी को टैग करके मदद भी मांग रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ के पैरोडी या फर्जी अकाउंट्स के जरिए भी ये बातें लिखी जा रही हैं और इसकी वजह से लोग इनका भरोसा किए ले रहे हैं। पर ये बातें सच नहीं हैं, झूठ हैं, अफवाह हैं। पूजा की हत्या के मामले में पुलिस ने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसका नाम दिलीप साहू है। वो हिंदू है लेकिन उसके धर्म को इस हत्या से जोड़ना उतना ही गलत है जितना कि हत्यारे को मुसलमान बताना। पूजा के परिवार का कहना है कि दिलीप उनकी बेटी को पिछले कई दिनों से तंग कर रहा था। इस मामले में उन्होंने पुलिस के पास रिपोर्ट भी लिखाई थी, पुलिस ने दिलीप को अरेस्ट भी किया था। वो जेल गया लेकिन बेल पर वापस आ गया और वापस आने के बाद उसने जो काम किया वो अब सबके सामने है। उसने पूजा को उसके स्कूल के सामने ही मार डाला। जाहिर है इस पूरे मामले का किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, पर पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो ऐसी भयंकर घटनाओं में भी, ऐसी नृशंस हत्याओं के मामले में भी हिंदू मुसलमान वाला एंगल खोज लाते हैं और फिर लोगों के बीच जहर घोलने का काम करते हैं। सोशल मीडिया की ऐसी ही अफवाहों का सच जानने के लिए आप बने रहिए दी लंदन टॉप के साथ। हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। शुक्रिया।